कौन नहीं चाहता है कि उसके बेटे के नाम के आगे इंजीनियर लगे या उसके खुद के नाम के आगे इंजीनियर लगे। लेकिन अगर यही इंजीनियरिंग का ठप्पा किसी आईआईटी एनआईटी के थ्रू लगे तो सोने पे सुहागा होता है। आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेईई क्या होता है, इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं व्हाट इज आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई है क्या आखिर? आईआईटी जेईई नेशनल लेवल का एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, लेकिन आजकल एनटीए ने उसका पूरा कार्यभार संभाल रखा है। अगर आप आईआईटी जेईई की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई और भारत के बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी जेईई एग्जाम जेईई मेन और जेईई एडवांस में कैटेगराइज किया गया है। जेईई मेन का एग्जाम अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसे देश की एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई और देश की प्रतिष्ठित कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, और वहीं पे अगर बच्चा जेईई एडवांस क्वालिफाई करता है तो उसे आईआईटी के साथ साथ देश की बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बच्चे का एडमिशन कॉलेज में उसकी रैंक की बेसिस पे अर्थात उसने जेईई मेन और जेईई एडवांस में कितना स्कोर किया है इसके बेसिस पे मिलेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि वे बच्चे जो एग्जाम दे सकते हैं किसका, जेईई मेन या जेईई एडवांस का। तो जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए बच्चे को किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th में होना चाहिए या 12th पास आउट होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो है परसेंटेज क्राइटेरिया का है। परसेंटेज क्राइटेरिया का मतलब अगर बच्चा जनरल या ओबीसी का है तो 75% मार्क्स होने चाहिए उसके 12th में, और वहीं एससी एसटी के लिए 65% मार्क्स दिया गया है। बच्चे का 12th में फिजिक्स और मैथ तो नेसेसरी है, उसके साथ में उसने केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट ले रखा है तब भी वह जेईई मेन का एग्जाम दे सकता है। अगर कोई बच्चा 65 या 75% के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो वह एनटीए द्वारा जारी टॉप 20% में अगर आता है तो भी वह एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे कि जेईई मेन का एग्जाम साल में कितनी बार होता है। तो जेईई मेन का एग्जाम साल में कितनी बार होता है, दो बार होता है। इसके दो सेशन चलते हैं, पहला सेशन होता है जनवरी में और दूसरा सेशन होता है अप्रैल में। तो जनवरी के लिए सितंबर महीने के फर्स्ट वीक में और अप्रैल के लिए फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कोरोना टाइम चल रहा है जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। यही इफेक्ट जो है हमें आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन इसकी साइट पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि इसका फॉर्म जो है दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आप जो है अगर जेईई मेन की एग्जाम के लिए उत्सुक हैं तो दिसंबर महीने के पहले वीक में जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेईई मेन का एग्जाम आप लगातार 3 बार दे सकते हैं, क्योंकि एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं तो इस तरीके से 3 साल में आपके पास 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आप जेईई मेन का एग्जाम 6 अटेम्प्ट में दे सकते हैं, जबकि वहीं पे जेईई एडवांस के लिए आपको केवल 2 चॉइसेस मिलती हैं। जेईई मेन के एग्जाम कौन नहीं दे सकता है, ये बहुत ही जरूरी बात है, तो आप गौर से सुनिए इस बात को। जैसे मान लीजिए आप जो है एक बार 12th का एग्जाम दिए, इंटर लेवल का एग्जाम दिया आपने और आप जो इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, और आपने दोबारा एग्जाम दिया और इंटर में क्वालिफाई हो गए और आप चाहते हैं जेईई मेन या जेईई एडवांस का एग्जाम दे लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो
ये रहा आज की वीडियो के बारे में, जे मेन और जे एडवांस के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जो है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे।